एक्सरसाइज 2.1 है, 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है सेकेंड ईयर का। द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल आर, वर्टिसेस यानी किनारे दिए हुए हमें ए बी सी, डायग्राम भी बनानी होगी। एनालिटिकल ज्योमेट्री के सवालात चैप्टर हैं, चैप्टर 2-3। तो ये तीनों हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर, हमें सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है यानी एक्स वाई, हमने इसको ओ एक्स वाई नाम दिया है। और रेडियस निकालना है यानी ओ से लेके ए या ओ से बी या ओ से सी तक का डिस्टेंस, क्योंकि ये तीनों में बराबर होगा। तो ओ एक्स वाई कोऑर्डिनेट है और आर रेडियस है। तो हमें देखा है डायग्राम में नज़र आ रहा है कि तीनों को मैंने आर नाम दिया और बीच में ओ नाम दिया है। अब ओ एक्स वाई तो रेडियस जो है वो तीनों में बराबर यानी ओ ए ओ बी ओ सी तीनों बराबर होंगे। तो ओ हमारे पास एक्स वाई है, ए हमारे पास 2-1 है। डिस्टेंस फार्मूला हमें पता ही है, हम आर बराबर ओ ए के स्क्वायरिंग कर दी तो आर स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर। अच्छा ओ हमारे पास था एक्स वाई और 2-1, तो फार्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इस पर रूट भी होता है डिस्टेंस के फार्मूले में, लेकिन स्क्वायर से रूट कट गया है तो 2 - x और 1 - y का स्क्वायर होगा। इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ देंगे। इसी तरह फिर ओ भी निकालूंगा, x2 - 5 तो 5 - x 2 - y का स्क्वायर। उसके फिर ओ सी निकालूंगा। अब बार बार फार्मूला नहीं निकले, एक सवाल में एक दफ़ा फार्मूला यूज़ हो गया तो ठीक है। 3 - x 4 - y, फिर कंपेयर करवा लूँगा 1 और 2 को, क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड पर आर स्क्वायर है। जब लेफ्ट हैंड साइड सेम होती है तो राइट हैंड साइड कंपेयर की जा करवाई जा सकती है। a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दूँगा, 4 - 4x + x2, 1 - 2y + y2। इसी तरीके राइट हैंड साइड पर 5 का स्क्वायर 25 और 5 का डबल करके बीच में लिखाया था कि 5 2 10 हो जाएगा ना, और एक्स स्क्वायर अपनी जगह से 2 का स्क्वायर 4, फिर 4y + y2। अच्छा x² से x² कट गया, y² से y² कट गया, बाकी 4 चीज़ें बच गई वो लिख दी। फिर राइट हैंड साइड वालों को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आया गया, तो राइट हैंड साइड पे r = 0 होगा। तो 10 - 4 6 आ जाएगा, 4y - 2y 2y आ जाएगा, 25 - 4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, 25 - 1 = 24 आ जाएगा। अब ये तीनों 2 के टेबल में आ रहे हैं तो डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, 24 को राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा तो डिवाइड बाय 2 होकर 12 हो जाएगा, ये इक्वेशन 4 हो गई। अब 1 और 3 को कंपेयर करवाऊंगा, तो 1 हमारे पास 2 - x² था और 1 - y² था, वहाँ पे 3 - x² + 4 - y², फिर वो a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किए, x² से x² y² से y² कट गया, सबको एक तरफ ले आया, डिवाइड बाय 2 कर दिया तो इक्वेशन 5 आ गई। अब यहाँ इक्वेशन 5 और इक्वेशन 4 है, वहाँ पे 3x और y है, यहाँ पे x + 3y, ना x का कोई सेम है ना y का सेम है। जब x और y दोनों का सेम नहीं होगा तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को एक को सेम करना पड़ेगा। तो मैंने ऐसा किया कि इक्वेशन 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया ताकि x सेम हो जाए, तो 3x - 9y + 30 हो जाएगा। तो जब इनसे को मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो ये हो जाएगा 3x + 9y = 30। अब उसके बाद ये इक्वेशन 6 आ गई, सप्लाई करवा दिया 6 और 4 की, क्योंकि साइन सेम था, 3x से 3x कट जाएगा, 9 - 1 = 8 हो जाएगा, 30 में से 12 गया तो 18 बच जाएगा, 8y * आगे डिवाइड होगा, 2 4 - 2 9, ये वाई आ गया। वाई की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो एक्स आ जाएगा, हमने इक्वेशन 4 में रख दिया, 9/4 यहाँ प्लस था वहाँ के माइनस हो जाएगा, जब भी बीच में प्लस माइनस होता है तो एलसीएम लेते हैं, 9 आ दिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लाइन पूरी करते हैं, 12 4 = 48 हो गया, 48 - 9/4 हो गया, 48 - 9 = 39 आएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई था वहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 3 - 1 = 3, 13 - 4 हमें x और y मिल गए। अब जब x और y मिल गए तो हम उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, रेडियस आ जाएगा, तो x की जगह 13/4, y की जगह 9/4, फिर बीच में प्लस माइनस होता है तो एलसीएम लेते हैं, लाइन आ दिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लाइन पूरी करूँगा, 4 2 - 8 हो जाएगा, 8 - 13/4, 4 - 4 - 9/4, 13 में से 8 गए तो -5 बचेगा, 9 में से 4 गए तो 5 बचेगा, फिर जब इवन पावर होती है तो माइनस प्लस बन जाता है, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 नीचे सेम है तो एक बार लिखते हैं, पावर रिपीट कर देते हैं, 25 + 25 = 50/16 हो जाएगा, तो 2 8 = 225, रूट लेंगे तो 5/2√2 आ जाएगा, रेडियस भी आ गया। तो असल में हमें कोऑर्डिनेट चाहिए थे एक्स वाई, वो भी आ गया, हमें रेडियस दोनों चीज़ें मिल गई। अच्छा 2012 में जैसे सवाल आया हुआ तो वो होमवर्क वो आप लोगों ने खुद अटैम्प्ट करना है।